नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। 200 ट्रेनों के लिए टिकट लेना आसान, अब रेलवे काउंटर और एजेंट से भी बुकिंग। फोर लेन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की 200 दुकानों पर चलवाया बुलडोजर। प्यासे कोबरा को आईएएस अधिकारी ने हाथ से पिलाया पानी, वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं का शेड्यूल जारी, 9 जून से होगी परीक्षा। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से मरने वालों की संख्या हुई 72। मलेशिया के कुआलालपुर से भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा जहाज। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाए जाने वालों की याद में झुकाए जाएंगे झंडे। एमपी के ग्रीन जोन में आज से खुलने लगे ब्यूटी पार्लर और सैलून। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 341 नए मामले, मरीजों की संख्या 5,515। गुजरात में कोरोना वायरस के 371 नए मामले, 24 लोगों की मौत। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तूफान प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक, प्रवासी मजदूरों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सामान्य गश्त पर डाल रहा है बाधा। दिल्ली में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 30 को किया गया होम क्वारंटाइन। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए तय किया किराया, दिल्ली मुंबई का न्यूनतम किराया होगा 3,500 रुपए। रेलवे की बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की कालाबाजारी चालू, 6 लाख से ज्यादा टिकटों के साथ 14 गिरफ्तार। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 21 बच्चों का हुआ जन्म। कोरोना वायरस महामारी के बीच मणिपुर में भूकंप के झटके, 3.6 मापी गई तीव्रता। प्रोफेसर आर बाबू ने कहा कि इस महीने खत्म हुआ लॉकडाउन तो जुलाई तक भारत में चरम पर होगा कोरोना वायरस। आज महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन शुरू करेगी बीजेपी सरकार, कहा फेल हुई ठाकरे सरकार। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना भारत। मणिपुर सरकार की पहल, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से बनाया क्वारंटाइन सेंटर। मदुरई में 446 व्यक्तियों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर लगाया गया जुर्माना। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का और किया जाएगा विस्तार। तेलंगाना सीएम का बयान, कहा कि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा करने पर ना हो मजबूर, चलाए जाए बस और ट्रेन।